Hello everyone. So let's discuss the most important quant questions for your CAT exam and let's start. So subscribe to the channel for all the MBA updates and please make sure to press the bell icon to receive important videos. Remember to follow on Instagram and Facebook also. So let's start with the first question. So ये question क्या कह रहा है कि ABCD जो हमारे पास एक quadrilateral given है एंड ए हेयर इज 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी और सी डी साइड्स की सेम लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ए डी इज 3 सेंटीमीटर, बी ए इज 4 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी. सो एंगल बी सी डी इज दिस एंगल, राइट? नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए बी डी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? सो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, यस, ट्रायंगल ए बी डी में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट? सो दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 9, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, सो दिस इज 5 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है द वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इज 5 सेंटीमीटर, राइट? सो हम क्या कह सकते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री. सिंपल. सो आंसर इज हेयर बी ऑप्शन, 60 डिग्री. नाउ लेट्स सी दिस वन. सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. फिगर में भी आप देख सकते हैं. नाउ ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6. ए सी की जो वैल्यू है दिस इज एक्स प्लस 6 एंड बी सी की जो वैल्यू है दिस इज 2x-4. देन ए बी इज इक्वल्स टू, सो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, राइट? एंड ए सी इज एक्स प्लस सी एंड बी सी इज 2x-4. सो देखा जाए तो ए सी प्लस बी सी दिस इज इक्वल्स टू 3x+2. नाउ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर एक्स. नाउ क्योंकि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ हमारा सेंटर है, तो हम कह सकते हैं ये ए बी जो कॉर्ड है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा. तो हम कह सकते हैं डैट दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, राइट? विच विल इम्प्लाई एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 2x-4. यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, राइट? एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं डैट ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32. सो सी इज द आंसर फॉर दिस वन. नाउ दीज ज्योमेट्री क्वेश्चन आर नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट यू नीड टू नो द प्रॉपर्टीज फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन सेज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. सो इक्वल टू का मतलब यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ लेंथ. सो ए बी और सी डी दोनों की लेंथ ही क्या है? 12 सेंटीमीटर, राइट? नाउ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ डी, ओ डी की अगर हम बात करें ओ डी इज 8 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे ओ डी की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर. ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है? तो लेंथ ऑफ ओ इज इक्वल्स टू वॉट? नाउ ओ ई की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो बिकॉज ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो हम कह सकते हैं कि ये सी डी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा. ओ ई, द पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट फॉर सी डी, सो हम कह सकते हैं डैट सी इज इक्वल्स टू डी ई, राइट? नाउ वी नो ट्राइंगल ओ डी ई दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? दिस इज अ 90 डिग्री एंगल हेयर. नाउ राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ऑब्वियसली. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर. कूल. सो ओ डी स्क्वायर इज 8 स्क्वायर हेयर एंड दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर. नाउ ये जो डी वैल्यू है वी नो सी डी की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर, तो डी जो है डैट इज हाफ ऑफ सी डी. सो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर,
सो डी 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर. सो यहाँ से आप ओ ई की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओ ई की वैल्यू इज गोइंग टू बी अंडर रूट 64 माइनस 36, करेक्ट. सो ओ ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 28. सो अंडर रूट 28 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 7. सो बी इज द राइट ऑप्शन हेयर. नाउ इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ सी इज 130 डिग्री. सो यहाँ पे फिगर में ये जो एंगल है ये 130 डिग्री है. नाउ ओ इज द सेंटर. वी हैव टू फाइंड एंगल सी बी ई. सो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ओवर हेयर सी बी ई. सो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी और यूज करनी है, डैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, राइट. एंड ये जो पॉइंट्स हैं ए और सी, ये एक और एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहे हैं विच इज टचिंग द सर्कमफ्रेंस ऑल्सो, राइट. सो वी नो दिस प्रॉपर्टी, डैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ वॉट दिस एंगल इज मेड बाय पॉइंट ए एंड सी एट द सेंटर पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट. सो हम कह सकते हैं ये जो एंगल होगा एंगल ए बी सी, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. सो इस प्रॉपर्टी को यूज करके वी नो दिस एंगल इज 65 डिग्रीज. और यहाँ पे दोनों पेयर का सम क्या होगा, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ई, 180 डिग्री ऑब्वियसली. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री. सो आर आंसर इज 115. सो यू कैन सी एक प्रॉपर्टी पता थी और इसलिए वी कुड सॉल्व दिस होल क्वेश्चन. नाउ इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड एंगल बी ई सी. सो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल बी ई सी फाइंड करना है. तो इस एंगल की बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल बी ए सी. वी नो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्रीज होगा. और अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें विच इज़ ए बी ई सी, सो हम कह सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर टचिंग द सर्कल एंड इनसाइड अ सर्कल, राइट. दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो हम कह सकते हैं जो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ई होगा, उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा. ऐसे इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा, राइट. सो वी नो दिस एंगल बी ए सी 60 डिग्री. सो वी कैन से एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, राइट. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन. The profit earned when an article is sold for ₹800 is 20 times the loss incurred when it is sold for ₹275. Now, पहले तो suppose करते हैं कि जो cost price है article का, let's suppose that is some rupees X. Okay? तो profit कितना होगा? So, ये है selling price. ठीक है, हमने sell किया 800 पे और cost price था एक्स. सो ये मैं प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे निकाल रही हूँ. सो दिस इज प्रॉफिट बेसिकली जब हमने उसे 800 रुपीज का सेल किया. सो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि दिस प्रॉफिट इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 275. सो लॉस अगर निकालेंगे तो लॉस हमेशा निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, करेक्ट. सो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल गई. नाउ क्वेश्चन सेज एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड इफ इट इज डिजायर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%. नाउ ये हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि हमें 25% का प्रॉफिट भी बनाना है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा. अगर हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स है तो हम क्या कह सकते हैं, और हमें 25% प्रॉफिट चाहिए तो हम कह सकते हैं selling price is 125% of x, right? Or we can say this is 125 divided by 100 into x. So selling price hamara aa jayega 5x by 4.
नाउ वी ओनली हैव टू फाइंड x, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो एक इक्वेशन है हमारे पास, तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी 21x इज इक्वल्स टू 6300 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 300. तो यहाँ से अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, विच इज़ 5/4 टाइम्स ऑफ 300 द कॉस्ट प्राइस, राइट, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ 750/2 और हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 375. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नाउ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे. हाउ मैनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड मैनेजमेंट ऑल एंडिंग इन जी. तो यहाँ पे देखो ये कितने लेटर्स का वर्ड बन रहा है. यू कैन सी यहाँ पे ये 10 लेटर्स का वर्ड है. ठीक है, तो ऑप्शंस में भी आप देखो आपके ऑप्शंस ऐसे ही हैं, 10 factorial, 9 factorial, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें कंडीशन गिवन है कि जितने भी वर्ड्स होंगे ऑल द वर्ड्स शुड एंड इन अ जी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इजी भी हो गया कि जी एक ही है यहाँ पे. तो टोटल प्लेसेस कितनी थी, वी हैड ऑल टोटल 10 प्लेसेस. नाउ जो लास्ट प्लेस है वो हमने फिक्स कर दिया है बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंडिंग वर्ड एंडिंग लेटर होना चाहिए जी. तो यहाँ पे हमारे पास है 9 प्लेसेस टोटल. करेक्ट, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन कि जी को तो आप एक बार भूल जाओ, साइड में रख दो कि लास्ट लेटर जी होगा. आप बस इतना सोचो कि आपके पास ये लेटर्स गिवन है आपको एंड यू हैव टू फाइंड ऑल द पॉसिबल वर्ड्स जो इन लेटर से फॉर्म हो सकते हैं, राइट. ऑब्वियसली यूजिंग ऑल द लेटर्स, सारे 9 के 9 लेटर्स हम यूज करने हैं. तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता तो हम क्या आंसर करते, अगर हमें 9 लेटर से इन्हीं 9 लेटर्स को यूज़ करके सारे पॉसिबल वर्ड्स बनाने होते तो हम बोलते 9 factorial. एंड क्योंकि यहाँ पे ए दो बार रिपीट हो रहा है तो इसके लिए 2 factorial से डिवाइड कर देंगे. ई दो बार रिपीट हो रहा है, अगेन 2 factorial से डिवाइड करो. एम दो बार रिपीट हो रहा है, अगेन डिवाइड बाई 2 factorial. सिमिलरली फॉर एन ऑल्सो डिवाइड बाई 2 factorial. सो दिस इज 9 factorial डिवाइडेड बाई 2 factorial रेस्ट पर 4. सो दिस इज आर राइट आंसर. इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ अ ड्रेन पाइप कैन ड्रेन अ टैंक इन 12 hours. ओके, सो वी हैव अ टैंक और जो ड्रेन पाइप है जहाँ से पानी बाहर आएगा वो पूरा भरा हुआ टैंक खाली कर सकती है 12 hours में. एंड अ फिल पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 6 hours. और जो फिल पाइप है वो 6 hours में पूरा टैंक फिल कर सकती है. अ टोटल ऑफ 9 pipes. ओके, टोटल हमारे पास 9 pipes है ऐसी जिसमें से कुछ हैं फिल पाइप्स और कुछ हैं ड्रेन पाइप्स, राइट. इस टैंक में बहुत सारी फिल पाइप्स भी हैं और बहुत सारी ड्रेन पाइप्स भी हैं. और टोटल पाइप्स हैं n हमारी, राइट, क्लियर. नाउ दीज n पाइप्स कैन फिल द एंटायर टैंक इन 2 hours. नाउ जब भी ड्रेन पाइप और फिल पाइप का कॉन्सेप्ट होता है तो आई वुड लाइक टू शेयर वन पॉइंट हियर कि फिल पाइप का मतलब है समथिंग इज इनकमिंग, कुछ टैंक के अंदर फिल हो रहा है, इट इज फिलिंग सम वाटर, राइट. सो वाटर के अंदर ऐड हो रहा है पानी, तो इसके लिए हम हमेशा प्लस साइन यूज करेंगे, करेक्ट. अगर हम जब भी बात करेंगे कि 1 hour में कितना पानी फिल हुआ, कितना पार्ट फिल हुआ टैंक का, तो वी विल यूज प्लस साइन क्योंकि वो फिल हो रहा है. और ड्रेन पाइप जहाँ भी आएगी उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे. मान लो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि 1 hour में कितना पानी इफेक्टिवली टैंक में भर रहा है, तो मान लो हमारे पास है एक इनकमिंग पाइप इनलेट और एक है लीकिंग पाइप, तो हम कह सकते हैं कि प्लस साइन फॉर क्वांटिटी जितना पानी भर रहा है
एंड माइनस साइन फॉर द लीकिंग पाइप, जितना वो पानी निकाल रही है. सो ये प्लस माइनस का इक्वेशन एक इफेक्टिवली हमें 1 आवर का आइडिया देगा कि टैंक में इफेक्टिवली पानी कितना रहेगा. ओके, तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. नाउ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कुड एंड टेक. तो यहाँ पे हमें एन की कुछ वैल्यूज दी हैं, तो हमें बताना है ये जो 6 वैल्यूज हैं इसमें से कौन सी वैल्यू एन टेकअप कर सकता है, तो उसको काउंट करके हमें ऑप्शन बताना है. तो यहाँ पे हम क्या सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स हैं पाइप्स जो फिल पाइप्स हैं, राइट, और एन माइनस एक्स हमारे पास बच गई जो हमारे पास ड्रेन पाइप्स हैं, करेक्ट. सो इन 1 आवर अगर मैं बात करूँ तो 2 आवर्स में तो ये जो एन पाइप मिलके पूरा टैंक भर देंगी, लेकिन अगर मैं 1 आवर की बात करूँ, 1 आवर के डेटा की बात करते हैं, तो इफ़ेक्टिवली कितना पानी होगा टैंक में. ऑब्वियसली पूरे टैंक को भरने के लिए 2 आवर लगेंगे, तो 1/2 पार्ट इतना भर चुका होगा 1 घंटे में, राइट. एंड दिस इज़ इक्वल टू कितना पानी जो हमारी फिल पाइप्स हैं वो भर रही हैं. तो एक फिल पाइप कितना पानी भरेगी, कितना पार्ट भर सकती है 1 घंटे में, 1/6. यहाँ पे टोटल 6 आवर्स लगते हैं पूरा टैंक भरने के लिए. तो एक्स फिल पाइप भरेंगी 6/6, राइट. नाउ हमें अकाउंट में लेना है फॉर ड्रेनेज पाइप्स, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, क्योंकि वो पानी बाहर निकाल रहे हैं इसलिए मैंने माइनस लगाया. ड्रेन पाइप्स हैं हमारे पास एन माइनस एक्स, और वो 1 घंटे में एक ड्रेन पाइप कितना पार्ट खाली कर देती है, 1/12. सो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी, क्योंकि हम पार्ट्स 1 घंटे में कितना कैपेसिटी टैंक का भरा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उस क्वांटिटी को लिया है. टाइम को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन कंपेयर दिस क्वांटिटी, करेक्ट. नाउ लेट्स फॉर्म इक्वेशन फ्रॉम दिस. लेट्स टेक एलसीएम, वी गेट 2x माइनस एन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 12. सो वी गेट हेयर 3x माइनस एन इज इक्वल्स टू 6. एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3x माइनस 6, राइट. नाउ यू कैन सी जो हमारे पास एन की वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज सर्टनली अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट. यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, सो दिस इज 3 × x माइनस 2. सो एन कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, एन की वही वैल्यूज पॉसिबल हैं जो सिर्फ 3 का मल्टीपल हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट है बाहर, सो जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है उन वैल्यूज को रिजेक्ट कर दो, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 वैल्यूज रिजेक्ट हो गई, एंड एन कैन टेक दीज 3 वैल्यूज, 24, 33, and 9. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इट क्लियर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स, कि लीक पाइप के लिए हमेशा एक नेगेटिव साइन लगाओ जब आप इफेक्टिवली कैलकुलेट कर रहे हो कि 1 घंटे में कितना टैंक में पानी भरेगा. तो जितनी भी इनकमिंग पाइप्स हैं जो पानी भर रही हैं उसके लिए एक प्लस साइन, और जितने पाइप्स पानी निकाल रही हैं उसके लिए एक माइनस साइन. तो इफेक्टिवली यही इक्वेशन आपको बताएगी कि इफेक्टिवली कितना पानी भर रहा है टैंक में. Now, a car of length 4 meter wants to overtake a trailer truck of length 20 meter traveling at 36 kilometer hour within 10 seconds. So, यहाँ पे देखो एक 20 meter का truck है, which is traveling at speed of 36 kilometer hour. या 5/18 से multiply करके हम इसे meter per second में convert कर देते हैं, 10 meter per second. Okay. सो यहाँ पे एक हमारे पास कार है विच इज़ 4 मीटर इन लेंथ, और कार चाहती है कि 10 सेकेंड में वो इस ट्रक को ओवरटेक कर ले. नाउ क्वेश्चन सेज दैट व्हाट स्पीड शुड द कार ट्रैवल. सो स्पीड पूछी गई है यहाँ पे कार की, तो आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्टिवली यहाँ पे कार को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रक को ओवरटेक करने के लिए. ऑब्वियसली ये जो 20 मीटर लेंथ है ट्रक की वो, और जब कार यहाँ पे पहुँच जाएगी तो कार की भी अपनी एक लेंथ है 4 मीटर, राइट. सो ये 4 हम इसलिए ऐड करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब कार पीछे है ट्रक से
कार ने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके कार यहाँ पे आ गई एंड फिर भी 16 मीटर्स का डिस्टेंस बचा है, राइट। फिर अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड, या now this is going to be n percent into 40n plus 100 minus n percent into 40 into 80 minus n, right। now अब क्या करते हैं next step में, 40 by 100, 100 as in for percentage, 40 by 100 को मैंने common ले लिया, so I get here n plus यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस एन इंटू 80 माइनस एन, और यहाँ पे एक एन भी होगा तो दिस विल बी एन स्क्वायर, सो दिस इज 0.4 इंटू एन स्क्वायर प्लस 8000 माइनस 80n माइनस 100n प्लस 8000, ओके 8000 आई हैव ऑलरेडी रिटर्न हियर, सो प्लस एन स्क्वायर, सो आप देख सकते हैं दिस इज 0.4 इंटू वी गेट 2n स्क्वायर माइनस 180n प्लस 8000। अगेन लेट मी टेक 2 कॉमन, 2 को फिर से मैंने कॉमन ले लिया, राइट। नाउ वी नो दिस इज हम आर इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ n, और यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट की बात हुई है तो हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। एन की ऐसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिस पे ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मिनिमम आए, हमें मिनिमम प्रॉफिट ही निकालना है, वी हैव टू मिनिमाइज दिस पी ऑफ एन द प्रॉफिट हियर, करेक्ट। सो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, और एक और अप्रोच है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो वी नो हमारी जो प्रॉफिट की इक्वेशन है डैट इज 0.8 इंटू एन स्क्वायर माइनस 90n प्लस 4000, सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं पी एन डैश, सो डैट इज गोइंग टू बी 0.8 इंटू 2n माइनस 90। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं, राइट, जो n की वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो n का एक वैल्यू आएगा 45, जो हमें एक डेरिवेटिव पॉइंट मिला है। नाउ डबल डेरिवेटिव लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, सो वी गेट दिस इज 0.8 इंटू 2, एंड हम देख सकते हैं ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो n की वैल्यू है इस पे एक मिनिमा है, मिनिमा मतलब इस पे p ऑफ n की मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी, राइट। सो इस पे पी ऑफ एन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो एन को 45 रखो एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट हेयर, करेक्ट। सो एन की वैल्यू हम 45 लिख देते हैं, सो दिस इज 45% ऑफ 40n लिया था हमने, राइट, प्लस दूसरे पे प्रॉफिट हुआ 100 माइनस एन, मतलब 55% प्रॉफिट हुआ, सो 55 इंटू 40 इंटू टोटल आर्टिकल्स थे कितने 80, सो यहाँ पे आएगा 35, सो ये कैलकुलेट करो एंड दिस आंसर इज गोइंग टू बी 1580, सो सी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट सेकेंड अप्रोच ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन, लेट मी डिस्कस दैट ऑल्सो। सो सेकेंड अप्रोच ऐसे थी कि हमारा पी ऑफ एन एक्सप्रेशन यहाँ पे निकल के आ रहा था 0.8 इंटू एन स्क्वायर माइनस 90n प्लस 4000। अगर आपको डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है और यहीं से आपको फिगर आउट करना है कि पी ऑफ एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम
इस अप्रोच से हम वाकिफ हैं कि हम जानते हैं इस अप्रोच को कि ट्राई करते हैं इसे एक स्क्वायर बनाने का, राइट, होल स्क्वायर बनाने का. सो 90n को आप देख सकते हैं, दिस इज 2 × 45n, राइट. तो यहाँ पे 45 स्क्वायर प्लस करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेरी सिंपल. सो यहाँ पे हमें मिलेगा n माइनस 45 होल स्क्वायर, राइट. यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी एंड दिस वैल्यू इज माइनस 2025 प्लस 4000. सो आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसको टर्म्स में हमने डिवाइड किया और यहाँ पे भी एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 1975. तो हमेशा क्या करते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव टर्म है और ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो कोशिश ये करते हैं मिनिमम जब निकालने की बारी आती है कि दो टर्म्स में ऐसे डिवाइड करें कि बीच में भी प्लस साइन हो. ठीक है, आप देख सकते हैं कि दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी हमेशा, इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट टर्म है तो 1975 ही रहेगी, राइट. अगर प्रॉफिट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें इस एक्सप्रेशन को मिनिमम वैल्यू देनी पड़ेगी. इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो, और ज़ीरो कब होगी, व्हेन एन इज इक्वल्स टू 45. तो इस वैल्यू को, इस टर्म को, होल स्क्वायर टर्म को ज़ीरो कर दो और पी ऑफ एन की मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 0.8 × 1975. And this value is coming out to be ₹1580. Correct? So this is the right answer for this. So let's see this question. Now this question says from the digits 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yahan pe hume 6 digits given hai. How many 5 digit numbers can be formed that have distinct digits एंड आर मल्टीपल ऑफ 12? तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है एंड वो मल्टीपल होना चाहिए 2 का या 12 का या 3 का. सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा 5 डिजिट नंबर मल्टीपल हो 12 का, सो हमें क्या मेक श्योर करना होगा, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2, 4, 3 मेनली और 6, राइट. तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि 12 का अगर ये मल्टीपल हो तो ये फैक्टर 4 और 3 का होना चाहिए, एज इन 4 और 3 के भी मल्टीपल होने चाहिए जो हमारे 5 डिजिट नंबर्स हो. अगर वो 4 और 3 दोनों के मल्टीपल्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो 12 के भी मल्टीपल होंगे, राइट. बिकॉज अगर 4 और 3, अगर जो हमारा 5 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा है वो 4 और 3 दोनों का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि वो 6 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो वो 2 का मल्टीपल ज़रूर होगा, 2 इवन नंबर ज़रूर होगा वो, और वो 3 का भी मल्टीपल है तो हम इफ़ेक्टिवली कह सकते हैं कि वो 6 का भी मल्टीपल होगा. तो अगर हम ये मेक श्योर कर लें कि जो हमारा 5 डिजिट नंबर है वो 4 और 3 दोनों का मल्टीपल है, तो हम इफ़ेक्टिवली मेक श्योर कर सकते हैं कि वो ऑब्वियसली 2 का मल्टीपल तो होगा ही और 6 का भी मल्टीपल होगा, जिससे हम मेक श्योर करेंगे कि वो 12 का मल्टीपल ज़रूर हो. तो हमें सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए 5 डिजिट नंबर और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. नाउ 3 के मल्टीपल्स की बात करते हैं, तो जितने डिजिट्स का हमारा नंबर है उन सारे डिजिट्स का सम, दैट सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, करेक्ट. तभी हम बोलेंगे कि डैट नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब का सम क्या आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है 27. सम ऑफ ऑल दीज डिजिट्स है 27, राइट. तो हम कैसे मेक श्योर करें कि हमारा 5 डिजिट नंबर जो है उसमें हम कैसे वो इन 6 डिजिट में से 5 डिजिट पिक करें कि सम जो है फिर भी डिविजिबल बाय 3 रहे, करेक्ट. तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं, या तो हम 3 को ड्रॉप कर दें, क्योंकि 27 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे देन ऑल्सो दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 3, या हम 6 को ड्रॉप करें, बिकॉज इन बोथ द केसेस
जो 5 डिजिट्स बचेंगे वो उन सबका सम है डिविजिबल बाय 3। सो हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स आ जाएंगे अगर हमें इंश्योर करना है कि वो 3 का मल्टीपल है। सो वी हैव दीज टू ग्रुप्स ऑफ 5 डिजिट्स, करेक्ट। नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे पास ये 5 डिजिट्स हैं, इससे हम 5 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4 ऑल्सो। तो मल्टीपल ऑफ 4 होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? मल्टीपल ऑफ 4 होने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, राइट। तो अगर हमारे पास ये डिजिट्स का सेट है और लास्ट टू डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, तो लास्ट टू डिजिट्स अगर इनसे फॉर्म करोगे आप, 2 डिजिट्स इनसे पिक करके, तो कौन कौन से होंगे जो मल्टीपल ऑफ 4 बनेंगे? एक तो 24 होगा, राइट, और एक आ जाएगा फिर उसके बाद 64, बट 6 इस सेट में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 24 इज गोइंग टू बी देयर और 64 हटा देते हैं, 32 आ जाएगा, 52 एंड 72। सो ये ही 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इन 5 डिजिट से, जो कि ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 4 भी हैं, राइट। तो यहाँ पे लास्ट टू पोजीशंस हमने फिक्स कर दिए हैं, लास्ट टू पोजीशन के लिए वी हैव 4 ऑप्शंस, करेक्ट। और अगर आप 24 की बात करें, अगर मैं लास्ट पोजीशन पे 24 पिक करती हूँ, तो फर्स्ट 3 प्लेसेस के लिए आई हैव 357, राइट, और इससे मैं 3 फैक्टोरियल नंबर्स बना सकती हूँ 3 फैक्टोरियल वेज में। तो ऐसे मैं देख रही हूँ कि हर एक ऑप्शन के लिए कितने हमारे पास नंबर्स बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। सो टोटल नंबर इस सेट के लिए हमारे पास आ जाएंगे 4 × 3 फैक्टोरियल, विच इज़ 24। नाउ सेकेंड सेट की बात करते हैं हम, तो सेकेंड सेट में हम देखते हैं कि लास्ट टू डिजिट्स के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं जो कि 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। तो 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 की बात करें तो वी हैव 24, 64, 52, 72, 56 एंड 76। सो नाउ वी हैव 6 ऑप्शंस यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स के लिए हमारे पास हैं, 6 ऑप्शंस इन टोटल। सो अगर मैं लास्ट ऑप्शन 24 रखती हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या डिजिट्स हमारे पास होंगे? 5, 6, 7, 3 डिजिट्स हैं और 3 ही प्लेसेस हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हर ऑप्शन के लिए 6 ऑप्शंस में से जिस भी ऑप्शन को आप लास्ट प्लेस पे रखेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स की प्लेस पे, तो लास्ट 2 डिजिट्स पे रखने के बाद वी हैव 3 फैक्टोरियल नंबर्स फॉर ईच ऑप्शन। सो टोटल यहाँ पे इस केस के लिए होंगे 6 × 3 फैक्टोरियल नंबर्स, विच इज़ 6 × 6, 36। तो यहाँ पे इन दोनों केस को कंबाइन कर दो, टोटल कितना आ जाएगा आंसर? 60। तो 60 ऐसे नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं। सो सारे नंबर्स के लिए आपको प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9 और अप टू 11 आप ऐसे याद कर लो, सो दैट विल बी फाइन। 12 का मल्टीपल होने के लिए मेक श्योर करो कि 4 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, दोनों को कंबाइन करके आप देख सकते हैं, बाकी फैक्टर्स के लिए भी वो स्टे एज इन सिचुएशन ट्रू रहेगी, 6 के लिए भी और 2 के लिए भी, एंड ऑटोमेटिकली ये इम्प्लाई करेगा कि वो 12 के लिए भी सिचुएशन करेक्ट आएगी, वो नंबर जो फॉर्म होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 12, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।